नदिया के रजेगांव में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में राजश्री साहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह संपन्न हुआ। इस जयंती समारोह में कई प्रमुख अतिथि भी उपस्थित थे, जबकि जामड़ी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। राजर्षि शाहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती समारोह रजेगांव में हजारों जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता धनंजय वंजारी, आयुक्त आयकर नागपुर ने की। प्रमुख अतिथि एडवोकेट सीमा कछवा, नई दिल्ली, शुद्धोदन कांबळे, जिला उपनिबंधक सविता बेदरकर, सावन कटरे, डॉक्टर सुप्रिया बोरकर, महेंद्र गजबीये, संतोष डोंगरे, अनिल वट्टी, प्रकाश ब्राह्मणकर, विनायक खैरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता एडवोकेट कछवा ने अपने ओजस्वी भाषण में शिक्षा तथा एकता को महत्व देकर सभी समाज एकजुटता का महत्व बताकर बाबा साहेब के कार्यों को भी बताया। उसी प्रकार धनंजय वंजारी ने भी युवाओं के सामने आकर शिक्षा से आगे आकर आज ताकत दिखाने की बात कहकर आगे की लड़ाई हेतु शिक्षित होकर मिशन आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसी प्रकार सविता बेदरकर तथा उपशिक्षणाधिकारी महेंद्र गजबीये ने भी संबोधित किया, जबकि जामड़ी का आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था और हम बाप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारे संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं है। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिकमंगे इसे भीख बताते हैं, तो वो चिढ़ते हैं, चिढ़ते वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर इंजीनियर जज वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4-4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया, जो हत्यारे थे और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े जो लो स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से खिलस गए। ऐसे बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब, साथियों, आज इस रजेगांव की इस धरती पर जो आज राजश्री साहू महाराज की जयंती का जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आज सुना होगा या इस मंडप से थक कर, पूरे दिन भर थक कर, पसीना बहाकर थोड़े देर के लिए जो बाहर भी जा चुके हो, वो बात कितने पलों बाद, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठा हैं। आप खान की जो भूमिका लेते हुए और कानून और संविधान को किस तरीके से अच्छी तरीके से अमल में लाया जा सकता है, ये पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया, उसको सुनने के लिए आए। और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान, और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे खून में, हमारे पूर्वजों के विचारों में, हमारे पूर्वजों के व्यवहार में मानवतावाद की बात झलकती है, उनके कामों में मानवतावाद झलकता है, उनकी किताबों की लेखनी में समतामूलक समाज की बात झलकती है। लेकिन नागपुर से संचालित होने वाली किसी पत्रिका आज तक समतामूलक समाज की बात नहीं कर रही है। वो बात किस बात की कर रही है? उस बात की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है, और उस राष्ट्रवाद में इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कि बहुजनों की आबादी है, जो कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, माइनॉरिटी, महिलाओं की आबादी है, उनके हक अधिकार की बात नहीं है, तो फिर ये कैसा राष्ट्रवाद है? VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।